हमीरपुर पुलिस पीओएसएल की टीम को एक भगोड़े को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। यह भगोड़ा पिछले 6 सालों से फरार चल रहा था, जिसे बद्दी नालागढ़ में पीओएसएल की टीम ने पकड़ा है। आरोपी साहिल शर्मा होशियारपुर का रहने वाला है और 2012 में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। एएसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ने बताया कि आरोपी साहिल शर्मा करीब 6 वर्ष पहले बस स्टैंड के पास मारपीट करता हुआ पाया गया था और पकड़े जाने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को हेड कांस्टेबल विनोद कुमार और कांस्टेबल रवि द्वारा बद्दी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा ऐसे भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही सभी भगोड़े पुलिस की हिरासत में होंगे। हमीरपुर की टीम को एक भगोड़ा जिसका नाम अशोक साहिल शर्मा, इसके पिताजी का नाम अशोक कुमार शर्मा, ये होशियारपुर का निवासी था। 2012 के केस में ये वांटेड था, तब से ये फरार चल रहा था, तो इसको बद्दी सोलन से अरेस्ट किया गया है और इसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई हो की जा रही है। ऐसे जो भगोड़े अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें हमने विशेष टीमों का गठन किया हुआ है, तो लगातार इनके विरुद्ध अभियान चला के ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उनके विरुद्ध वो की जा रही है।